अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनान फातिमा आसिफ बेबाक सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। भाई 2009 में राजा सिंह ने 500 बच्चे थे जिसका नाम कालू सिंह है, दो कालुआ हैं। इनका काम था गाया पकड़ना, लेके जाके जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में PS के अंदर हैंडओवर कर देना। कर देने की वजह से मैं ये गाया बेचना इनका काम है, हिंदू मुसलमान का फिरकेवारी कराना, पब्लिक को जो है धुलपेट के लोगों को परेशान करना, उनकी ज़मीन जायदाद से खींचना। तो मैं राजा सिंह जो है गाया बेच रहा बोल के मैं 2018 में हाईकोर्ट में रीड डाला। रीड डालने के बाद मेरे को जो है आज तक उसके अंदर जवाब नहीं डाला। मैं वही वजह से हाईकोर्ट में गाया बेच रहा बोल के मैं रीड डाले तो इसी वजह से मेरी ज़मीन छीन लेने के इरादे से मेरे को परेशान करके रख दिया। और हम 80 आदमी का परिवार है, अगर ये ज़मीन छीन ली तो हमारे को हमारे पूरा परिवार फुटपाथ पे आ जाता। जब से राजा सिंह MLA बना, लोधे समाज को किसी चीज़ का किसी भी चीज़ से डेवलपमेंट नहीं करा। जब से MLA बना यहाँ की पब्लिक को पूरा परेशान करके रख दिया। इसका काम सिर्फ ज़मीना लोधे समाज के अंदर ज़मीना कब्जा करना, उनको परेशान करना, उनके घरों में से रहना। ज़मीन जायदाद के बारे में इन्हें जो है यहाँ पर MLA बने जब से ये चीज़ से परेशान करके रख लिया लोधे समाज को। कि महमूद अली साहब डिप्टी वो थे, उनसे अली साहब आदरी और KCR साहब KTR साहब से असद बाबा से मैं अपील करता हूँ कि हमारे लोधे गोशामल डिवीजन के अंदर जो भी लोधे समाज के लोग हैं उनके वास्ते मैं अपील करता हूँ, उनकी मदद हमारी करो और इसको जो है जल्द से जल्द यहाँ से राजनीति से इसको हटाओ। सिंह के खिलाफ जो है गाया बेचरा बोल के 2018 में हाईकोर्ट में मैं रीड डाला। रीड डालने के बाद जिस वक्त 2009 में राजा सिंह 500 बच्चों को रखे थे, 500 बच्चों को रख के गाया करे, कोई भी गौशाला के अंदर नहीं डाले, नहीं गाया नहीं सबमिट करे थे, इसकी वजह से मैं उनको हाईकोर्ट में रीड डाल के गाया पूछा। और गांजे के बारे में धुलपेट में आज जो भी गांजा बिक रहा वो राजा सिंह की मेहरबानी से बिक रहा। राजा सिंह जो है वाइट कारोबार को उनको हर तरीके से परेशान करके रख दिया। उन्होंने जो भी गुड़म्बा गांजे से तो गुड़म्बा चाहता, हर चीज़ से कारोबार से परेशान करके किसी भी बच्चों को जो है या समाज के लोगों को एक पैसे की रोटी रोजगार की मदद नहीं करके मजबूर करने की वजह से राजा सिंह गांजा यहाँ पर ज़्यादा गांजा बिकने की वजह है राजा सिंह। ऑलरेडी राजा सिंह के राजा सिंह के ऑफिस के बाजू भी राजा सिंह की बीवी जो है ऑलरेडी वहाँ पर 3 साल से गांजा बेच रही भाई उनके सारे उन्होंने जितने भी है। और सब्जी मंडी के अंदर राजा सिंह की जो है शराब की दुकान कम से कम 15 से 20 साल की रही है शराब की दुकान। हर तरीके का कारोबार इन्हें राजा सिंह करवा है। उसके ऑफिस के आजू बाजू भी गांजा बिकने की वजह से है राजा सिंह। और राजा सिंह जो है यहाँ के बच्चों की लाइफ से खेलने के वास्ते यहाँ के पब्लिक को परेशान करने की वजह करने के वास्ते जो है गांजे को इस्तेमाल राजा सिंह ज़रूरत से ज़्यादा कराने वाला राजा सिंह है। आप ये मेरे पास कोर्ट का आर्डर है, मेरे को 2017 में ज़मीन के केस बुक करके जो है ये आर्डर मेरे को लेके जो है ये आर्डर 2.5 महीने हो गया। ये आर्डर बताने के बाद भी मेरे को कोई भी चीज़ के बारे में नहीं इसके अंदर लिखा हुआ है ये हमारे को मैं आर्डर दिया हूँ तो कापी लेके जाके ये हमारे को दिया हूँ। देने के बाद इसके बारे में और ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है। हाँ, राजा सिंह MLA जब से गोशामल डिवीज़न का MLA बना, जब से जो है पूरे गोशामल डिवीज़न के अंदर एक पैसे का नहीं, हर चीज़ के तरीके से परेशान करके रख गया। पब्लिक का डेवलपमेंट नहीं है, खाली सिर्फ मंदिरों के नाम पे उनको पब्लिक को बुलाना भिड़ा देना और इसके गैरवाजबी चीज़ों के वास्ते समाज के अंदर कोई भी आदमी गोशामल डिवीज़न के अंदर इसके खिलाफ़ बोला तो उसको परेशान करके रख देता, त्याग कर देता। और मैं बोलने वाला हूँ उसके खिलाफ़, मैं बोलने की हिम्मत मेरे पास है। और यहाँ पर सब जो है मानसिक हालत से कमज़ोर रहने की वजह से कोई भी आदमी इसके ख़िलाफ़ बोलना नहीं चाहता। अशोक सिंह हजारी है, वालिद का नाम लेट लखन सिंह हजारी है, मैं धुलपेट का रहने वाला हूँ। मेरी ज़मीन जो है धुलपेट में है, 1965 में मेरे वालिद साहब खरीदे तो ज़मीन है और 62,630 गज ज़मीन, शाह शिवली साहिब हिल्स अयावाड़ टेकड़ी 62,630 गज ज़मीन है, जो गवर्नमेंट के राजा सिंह जो है वो ज़मीन के ऊपर मेरे को ऑलरेडी जो है 6 साल से जो है ज़मीन के अंदर मेरे को शेर देव बोल के तंग करके रख दिया।
मैं ज़मीन नहीं देता हूँ बोला, गवर्नमेंट का लैंड बोल के मेरी ज़मीन के ऊपर जो है पूरा कम से कम बोलो तो 80 से 90 लाख रुपए का 2017 में तोड़ा दिया। और अब आज भी जो है मेरी ज़मीन के ऊपर मेरे को लेके आके छुट्टियाँ रहने की वजह से आज कल परसों 3 दिन छुट्टियाँ रहने की वजह से मेरे को पुलिस स्टेशन में बैठा दे के और गवर्नमेंट ऑफिस जो है 5 बजे बंद हो जाता, 7 बजे मेरे को बुला के बैठा के मेरी ज़मीन के ऊपर आके मेरा पूरा तोड़म ताड़ी सब पूरा तोड़ के फेंक दिए, पूरे दीवाला वाला गेटा गेटा सब तोड़ के फेंक दिए, मेरे को परेशान करके रख दिया पूरा। शेर देव बोल रहा, ज़मीन देव बोल रहा, ज़मीन नहीं दे तो जो मेरे को परेशान करके रखा। और जब से इन्हें MLA बना अब तक किसी भी इसकी कॉन्सेंसी के अंदर 2 पैसे का डेवलपमेंट नहीं करा। जब 100 साल के लोगों को जो है इन्हें आए जब से पूरा जो है परेशान करके रख लिया। किसी भी समाज के क्या गोशामल डिवीज़न के अंदर डोसा बेचने वाले इडली बेचने वाले हर किस्म के आदमी को जो है परेशान करके रख दिया। इन्हें इसके बच्चे पूरे जो है काम करने वाले जितने भी बच्चे हैं परेशान करके रख दिए। और धुलपेड़ के अंदर जो है किसी भी किस्म की 1 पैसे का डेवलपमेंट नहीं करके धुलपेड़ के लोगों को हमेशा समाज के बारे में धर्म के बारे में बोल के इनको इस्तेमाल करके इनको खाने को मोहताज करके रख दिया। और सारी चीज़ों से परेशान कभी इसकी कॉन्शियसनेस के अंदर या धुलपेड़ के अंदर है हर वक्त देखो धुलपेड़ के परेशान लोगों को जो है परेशान करके रख दिया। जो भी ज़मीन के अंदर यहाँ पर धुलपेड़ में गरीब अमीर है उनके घर के अंदर जाके जो है वहाँ पर परेशान करके मेरे को शेयर दो ज़मीन दो नहीं देते। मैं मेरे को 50 बार राजा सिंह जो है ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज करके मेरे को ज़मीन दो बोले, मैं नहीं देता हूँ बोल के बोला। और नहीं देता हूँ बोल के बोलने की वजह से मेरे को आज जो है MRO को कला उनको बुला के RDO को उनको बुला लेके मेरे को टाउन के ऊपर जब भी तोड़ने का है मेरे को पुलिस स्टेशन में बुला के बिठा ले रहे, बिठा लेके मेरे ज़मीन के ऊपर जो है सब JCP लेके आके तोड़े। और आज की तारीख में जो है पूरा मेरे को छुट्टियाँ रहने की वजह से मेरे को गवर्नमेंट का लैंड बोल के बोले और यही ज़मीन के ऊपर राजा सिंह जो है ऑलरेडी 300 के ज़मीन के ऊपर मैं खरीदूँ बोल के जो है गले मारा। जब गवर्नमेंट का लैंड अगर है तो राजा सिंह खरीद के जो है दूसरे के नाम पे रजिस्ट्री करा के ज़मीन के ऊपर आके जो है मेरी ज़मीन बोल रहा, फिर वही ज़मीन को जो है गवर्नमेंट का लैंड बोल रहा, बोल के परेशान करा मेरे को। ऑलरेडी जो है 2015 में मेरे को मुगल के नाले के मेरी 6 एकड़ 14 गुंटे ज़मीन थी, मेरे को बम के केस में भिजा दे के जो है वहाँ शादी खाने बना ले रहा, वहाँ पर जो है ऑलरेडी जो है 50 लाख रुपये वहाँ से लेके मेरे को बम के केस में भुगा। वहाँ भी मेरी कम से कम मेरी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरे को हर तरीके से परेशान करके रख दिया। और MRO उनसे MRO से कलेक्टर से RDO मिलके पूरी इसकी कॉन्सेंसी में मुगल के नाली करने से यहाँ से लेके जो है अब तक 500 करोड़ की प्रॉपर्टियाँ ऑफिसरों से मिलके इन्हें आज जब से अब तक भेज दिया। और के अशोक का रोडीजिट खोलने की वजह से मेरे को जो है 2010 में मेरी 57 साल की उम्र थी, मैं किसी को थप्पड़ नहीं मारा, वो ज़मीनों के अंदर जाके जो है मेरे को रोडीजिट खोल के मेरे को हर वक्त टाउन के ऊपर बुला लेके जो है मेरे को परेशान करके रख दिए। और धुलपेड़ के अंदर समाज के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे मेरा बच्चा MBBS MD ML DM पढ़ा हुआ है, मेरी बच्ची BTech पढ़ी हुई है, और एक बच्चा BTech इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है, और एक बच्चा मेरा B Pharmacy पढ़ा हुआ है। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, मेरा रोडी स्केटर भी राजा सिंह प्रेशर डाला के जो खुला के मेरी ज़िंदगी से खेल रहा। मैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो है इसकी ज़मीन जायजा उन्हें गोशामल डिवीज़न के अंदर, ये डेयरी है, डेयरी के अंदर 500 करोड़ की प्रॉपर्टियाँ सबसे मिलके बेचा तो प्रॉपर्टियों का है ये है। ऑलरेडी राजा सिंह जो है काउंसिल से या RDO से कलेक्टर से MRO से मिलके मंदिरों की ज़मीन उमीना पूरा के अशोक के नाम से राजा सिंह ऑलरेडी जो है 3 मर्डर केसों के अंदर, के अशोक भी उनका दोस्त था जियागुड़े के अंदर उनके फादर का मर्डर के टाइम पे उनके साथ उसको रख ले के जो है कलेक्टर MRO RDO मिल के राजा सिंह मिल के ज़मीना बेचे के हटा के अशोक सिंह हजारी को 2010 में जो है मेरा रौड़ी स्ट्रीट खोले। और 2010 में जिस वक्त रौड़ी स्ट्रीट खोले थे मेरी 57 साल की उम्र थी, आज मेरी उम्र जो है 70 साल की उम्र है, मेरे को हर वक्त टाउन के ऊपर बुला के बिठा रही है, ज़मीना 500 करोड़ की प्रॉपर्टियाँ बेचे तो है राजा सिंह बेचे तो है। इस 2009 में राजा सिंह ऑलरेडी धरने पे बैठे थे, बैठे तो टाइम पे 13 मंदिरें थी, 13 मंदिरों में से जिस वक्त 3 दिन के बाद उठे तो 1 रह गई 12 चले गई। साबरनगर में हनुमान मंदिर 31, 32, 33 सर्वे नंबर पे ज़मीन थी, हनुमान मंदिर बीच में थी, 10 एकड़ ज़मीन के बीच में थी। राजा सिंह 2006 में वहाँ बैठे थे, उठने के बाद वहाँ पर जो है पूरी ज़मीन चले गई। तो कार्बन कॉन्सेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मीन ऑफिसरों से मिलकर बेचने वाला राजा सिंह।
राजा सिंह ऑलरेडी 500 करोड़ की प्रॉपर्टियां जो है कि कांसी सी के अंदर हर जगह बेचे तो है, ये इसका पूरा सबूत है। ये 850 पन्नों की कापी है। मैं ऑलरेडी कलेक्टर को भी ये कापी दे हूँ। गैरवाजी ज़मीना मंदिरों की बेचे थे, देखे 8-9 महीने हो गया। ये वजह से राजा सिंह जो है मेरे को परेशान करके मेरी प्राइवेट लैंड को, मेरे प्राइवेट लैंड को गवर्नमेंट का लैंड साबित करके जो है मेरे से छीन के मेरे पूरे परिवार को, हम 80 आदमी की फैमिली, हम 9 भाई हैं 2 बहना है, 80 आदमी की फैमिली को जो है पूरा त्याग करके हमारे को परेशान करके रख दिया। अभी भी ज़मीन के बारे में मेरे को 2-3 एकड़ ज़मीन दे, बोल रहा नहीं दे तो तुम्हारा लैंड गवर्नमेंट का साबित कर देता हूँ, बोल रहा।